आज का हमारा लेक्चर है हरूफ का इस्तेमाल। तो आइए आज का लेक्चर देखते हैं। हरूफ के इस्तेमाल में पांच किस्म के हरूफ आते हैं, हरूफ अदब, हरूफ तख़सीस, हरूफ रब, हरूफ इस्तेफ़हामिया और हरूफ हिज्जाया। सबसे पहले हम देखेंगे हरूफ अदब को। हरूफ अदब की दर्जे इकसाम है। हरूफ अदब, अदब का मतलब होता है मिलाना। इसकी पहली जो किस्म है वो है हरूफ विसल। विसल का मतलब होता है नाम से जाहिर है बहम मिलाना। इसमें तीन लफ्ज आते हैं और, या और के, और जुमले में तमाम की बात की जाएगी। और वहां इस्तेमाल होगा जब जहां पर तमाम की बात की जाएगी, असलम और अकरम आए। अब ये इस्तेमाल कहां होता है, दो के दरमियान में या आखिरी दो के दरमियान में। और तलफ दो के दरमियान में और आखिरी दो के दरमियान में होता है, असलम, अमजद और अकरम आए। अब इन तीन के दरमियान में आखिरी दो के दरमियान और कलाम से इस्तेमाल हुआ है। या दो में से जब एक का इंतखाब हो, आखिरी दो के दरमियान में इस्तेमाल होगा, असलम या अकरम आ जाते, असलम या अकरम आ जाते के जब वजह बताई जाएगी और ये दरमियान में इस्तेमाल होगा। अली ट्रेन पर गया है कि उसकी गाड़ी खराब है, अब के दरमियान में आया है। हरूफे इस्तदराक, इस्तदराक का मतलब है शक दूर करना। लेकिन लफ्ज़ का लेकिन जब मुतबादिल बताया जाएगा, यानी उसके मुतबादिल कोई चीज, उसके बदले में कोई चीज बताई जाएगी, ये हमेशा लेकिन दरमियान में आता है। वो अली आ जाता लेकिन वो बीमार है, अली आ जाता लेकिन वो बीमार है, यानी लेकिन जब मुतबादल की चीज बताई जाएगी और ये दरमियान में इस्तेमाल होगा। हरफे तर्दीद, तर्दीद का मतलब होता है रद्द करना, किसी चीज से इनकार करना। इसमें लफ्ज आएंगे नहीं, ना, हा। नहीं जब इनकार किया जाएगा और ये इसम के बाद आता है, ना जब हक के इंतखाब ना हो और ये भी इसम के बाद आता है। अली नहीं जाएगा, ना ही अकरम ना आया। अब इसम के बाद दोनों लफ्जों का इस्तेमाल है, अकरम ना आया, खा खाते में ना आना, आवाज में ये लफ्ज आता है, खा तो आओ, खा अली आ जाए। खा का लफ्ज शुरू में जुमले के आवाज में होगा। हरफ जजा, शर्त का जवाब, जजा यानी किसी भी चीज का सिला। तो मुतबादिल बताया जाएगा, जब कोई मुतबादिल इसके बताया जाएगा और यह लफ्ज दरमियान में इस्तेमाल होगा। तो अगर मेहनत करते तो कामयाब हो जाते, तो कदर लफ्ज दरमियान में आएगा। हरफ शर्त यानी शर्त लगाना, इसके दो अल्फाज इस्तेमाल होंगे, अगर और जो। अगर मशबूत वाला है और ये आवाज होता है, अगर मेहनत करते तो कामयाब होते, अगर का लफ्ज हमेशा शुरू में इस्तेमाल होता है। जो इशारा मकसूद है, जो गाड़ी तुमने ली है वो, जो गाड़ी तुमने ली है वो बहुत खूबसूरत है, जो भी आवाज में ही इस्तेमाल होगा। अगला है हरफ बयानिया, बयानिया मतलब बयान करना, वजाहत करना। इसमें इस्तेमाल होता है के जब वजाहत की जाए और ये दरमियान में होता है। हरफे इस्तस्ना, इस्तस्ना का मतलब है अलग करना। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मगर, तवक्को एक चीज हो और उसके मुतबादल वो चीज हो जाए, यानी एक चीज की तवक्को की जा रही है लेकिन उसके मुतबादल और हो जाए, और ये लफ्ज दरमियान में, जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होता है। मगर ये हमेशा दरमियान में इस्तेमाल होता है। हरूफ इल्लत सबब बताना, पस लफ्ज इस्तेमाल होता है जब कुछ साबित किया गया हो और ये लफ्ज आवाज में इस्तेमाल होता है। पस अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, लिहाजा जब सबूत पेश किया जाएगा और ये वस्त में इस्तेमाल होता है, यानी जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होता है।
वो बीमार है लिहाजा वो आज नहीं आएगा, क्योंकि जब जवाब बताया जाए, और ये लफ्ज आवाज में इस्तेमाल होता है, जुमले के आवाज में इस्तेमाल होता है, क्योंकि क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो कॉलेज नहीं आ सकता। इसलिए जब जवाब बताया जाए और वस्त में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बीमार है, वही पिछले मिसाल जो मैंने आपको दी, इसलिए वो कॉलेज नहीं आ सकता, इसलिए जुमले के दरमियान में इस्तेमाल हुआ है। हरूफ तख़सीस, अब हम दूसरा हरूफ देखेंगे। हरूफ तख़सीस, तख़सीस का मतलब होता है ख़ुसूसियत। हरूफ तख़सीस की दो इकसाम है, हरूफ हर्फ शिरकत, हर्फ तशबीह। हर्फ शिरकत, शिरकत का मतलब इजाफा करना, शरीक होना। भी जब इजाफी बात की जाएगी, और ये हमेशा इसम की बात होता है, अली भी स्कूल जाएगा, अहमद भी ये काम कर सकता है, हमेशा इसम के बाद और इजाफी बात के लिए, जब उसमें इजाफा करने के लिए, यानी जो काम हो रहा है, अली भी ये काम कर सकता है। हर्फ तशबीह, किसी चीज की मानिंद करा देना, जैसा जब एक दूसरे की मानिंद, एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार दिया जाए, और ये हमेशा इसम के बाद आता है, जैसा कि वो बहुत खूबसूरत है, या जैसा अली जैसा खूबसूरत लड़का नहीं, अली जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं है। अब अली इसम है, इसम के बाद जैसा इस्तेमाल हुआ है। अब चलते हैं अगला, हम देखेंगे हरूफे रा। हरूफे रा, राते को कहते हैं, रात का मतलब राता। इसमें दो इसकी इकसाम है, इजाफत यानी ताल्लुक। इसमें लफ्ज इस्तेमाल होते का की के, जब इसम का दूसरे ताल्लुक को जाहिर किया जाए, जब इसम का एक से दूसरे के साथ ताल्लुक को जाहिर किया जाएगा, तो हरूफे इजाफत इस्तेमाल होते, और ये इसम के बाद आता है। अली की कार, अहमद का घोड़ा। अब अहमद इसम है, अहमद का घोड़ा। अली की कार, की का की के हमेशा इसम के बाद इस्तेमाल होते। हरफे फालियत, फालियत इशारा करना। ने, जब किसी की तरफ इशारा किया जाए, इशारा करना मकसूद हो, और ये भी इसम के बाद आता है। अली ने घोड़ा, अली ने ये कार खरीदी, अली ने घोड़ा खरीदा। हरूफे इस्तफामिया, इस्तफामिया कहते हैं मुरक्कब को। इसकी दो मिसालें हैं, दो इकसाम है, हरफे इजराब, हरूफे तहकीक। इजराब तरजीह देना। इसमें दो लफ्ज आएंगे, बल्कि और जैसे। बल्कि जब इजाफी बात की जाएगी, और ये लफ्ज जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होता है। वो ना, अली ना आया, बल्कि उसका भाई आ गया। जैसे जब दूसरे की मिसाल दी जाएगी, और ये इसम के बाद आएगा। अली जैसा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा, जब दूसरे की मिसाल दी जाएगी। अली जैसा जहीन बच्चा पूरी क्लास में नहीं है। हरफे तहकीक, नतीजा निकालना। इसमें लफ्ज इस्तेमाल होगा जरूर, और ये जुमले में, जब किसी जुमले में ताकीदी या जरूरी हो, जब किसी चीज जुमले में ताकीद की जा रही हो, या जरूर वो बात पर जोर दिया जा रहा हो, ये इसम के बाद आएगा। अली जरूर कॉलेज आएगा, अली जरूर आज कॉलेज आएगा। अगला है हरफे फिजाया, हरूफे फिजाया, जज्बात फिजाया। जज्बात में जो अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं, उनको फिजाया कहते हैं। उनमें इनकी इकसाम पांच है, हरफे इंबसार, हरफे तासुब, हरफे तनबिया, हरफे ताकीद, हरफे तहसीन। हरफे इंबसार, इंबसार कहते हैं खुशी को। वाह वाह, इस तरह के अल्फाज अचानक से मुंह से निकल जाते हैं, वाह वाह। जब खुशी का इजहार हो तो अचानक से ये अल्फाज निकलेंगे, और ये हमेशा जुमले के आवाज में इस्तेमाल होते हैं। वाह वाह, कितना अच्छा, या कितनी अच्छी गाड़ी है। हरफे तासुब, अफसोस। अह, जब दुख का इजहार किया जाएगा, और ये जुमले के आवाज में इस्तेमाल हुआ।
कभी ऐसा ना होता। आह आवाज में आएगा। हर्फ तन्विया खबरदार करना, माइनस का खबरदार ये लफ्ज इस्तेमाल होगा जब किसी को तन्विये जाए और ये लफ्ज जुमले के शुरू में इस्तेमाल होगा। खबरदार, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हर्फ ताकीद, ताकीद करना, हरगिज, जब कोई काम ना करने पर जोर दिया जाए और ये लफ्ज दरमियान में इस्तेमाल होगा, जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होगा। तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हर्फ तहसीन, तारीफ करना, तहसीन किसी को तारीफ करना, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश, इस तरह के लफ्ज जब किसी की तारीफ की जाएगी और ये लफ्ज शुरू में जुमले के शुरू में इस्तेमाल होते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अजीज तलबा, ये तमाम हुरूफ, इनका इस्तेमाल, इनको कहां इस्तेमाल करना है, किस जगह इस्तेमाल होते हैं और इनका लफ्ज है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इनमें जुमलों में इसका ताल्लुक होता है, आपने ये आज के लेक्चर में देख लिया है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से गौर से देखें ताकि आपको एक ही दफा ये देखने से आपके 5 नंबर के जो बारोजी कसीरुल्तका भी सवालात में आते हैं वो आपके दुरुस्त हो जाए।